फ्रेंड्स वेलकम इन आरसे एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द ईएमआर स्पेक्ट्रम। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था अपन ने ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं मैं। दोज रेडिएशंस विच आर एसोसिएट विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये किस तरह से एसोसिएट होती है वो आपको देखना है। देखिए बेटा, आप जानते हो 3D में अपने पास में 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई एंड जेड। और जो आपकी रेडिएशन प्रोपोगेट होती है वो आपकी कहां पे होती है, 3D में प्रोपोगेट होती है। तो ये अपने पास में क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया आपका वाई और ये जेड, किसी को भी अपन कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए ये अपने पास में ये वेव्स प्रोपोगेट हो रही है इस तरीके से, क्लियर। ये क्लियर, थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ईएमआर में आपको किस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्मेशन करता है वो एक्सप्लेन करना है यहां पर। तो देखिए ये अपने पास में एएमआर प्रोपोगेशन, क्या बेटा ये एएमआर प्रोपोगेशन। अब यहां पे आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, दोज रेडिएशंस विच आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और आप सब जानते हो बोथ फील्ड ई एंड एम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों फील्ड क्या होते हैं आपके, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, राइट। अब कैसे आपके पास में है, ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए बेटा ये अपने पास में अपना मीडियम है, देखो इधर, क्लियर। अब अपने पास में ये दोनों, ये आपके पास में ये मार्कर है और ये नोटबुक है। इन दोनों की बात करूं मैं, इन दोनों को मैंने ईच अदर कैसे रखा, परपेंडिकुलर, क्लियर। अब अपने पास में अगर कोई वेव ऐसे फ्लो हो रही है, देखो इधर ऐसे फ्लो हो रही है, क्लियर, तो दूसरी वेव कैसे फ्लो होगी आपकी, इस तरीके से, समझ में आ रहा है बेटा। देखो इधर एक वेव आपकी फ्लो हो रही है कैसे, ऐसे, क्लियर, तो दूसरे फील्ड में कैसे दिखेगी आपको वो, इस तरीके से, क्लियर। देखो आप इमेज करो, एक वेव आपकी एक फील्ड में इस तरह से हो रही है आपकी, दूसरे फील्ड में कैसी होगी आपकी, जस्ट परपेंडिकुलर। देखो आप दोबारा देखो, ये आपकी सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ऐसे आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड में होगी। देखो आप, क्लियर, ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्लियर। अब बात करते हैं अपन किसकी, ईएमआर स्पेक्ट्रम की। किसकी बात करते हैं बेटा, ईएमआर स्पेक्ट्रम की, क्लियर। अब देखिए स्पेक्ट्रम में क्या करना है, जितनी भी आपकी रेडिएशन है उन रेडिएशन को, क्या बेटा, जितनी भी आपकी रेडिएशन है उन सब रेडिएशंस को अपन ने क्या किया, उन सब रेडिएशंस को
इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अगर अपन ने अरेंज कर दिया देन वी ऑब्टेन ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड EMR स्पेक्ट्रम। व्हेन रेडिएशंस आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी देन वी ऑब्टेन ए स्पेक्ट्रम, दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड EMR स्पेक्ट्रम। क्लियर? देखिए अपने पास में इनको अपन ने अरेंज किया, क्या मिला अपन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन ने कौन सी कॉस्मिक रेस की बात की अपन ने, क्योंकि अपन कैसे इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अपन इसको अरेंज कर रहे हैं। फिर बात करते हैं अपन किसकी, गामा रेज, इसकी बात कर रहे हैं अपन गामा रेज। फिर बात करेंगे अपन किसकी, एक्स रेज। फिर बात करेंगे अपन किसकी, यूवी रेज। राइट? फिर अपने पास आ जाता है कौन सा, विजिबल रीजन। कौन सा जाता है बेटा, विजिबल रीजन। फिर आ जाता है आपका आईआर, फिर आता है आपका माइक्रो, और फिर आती है आपकी रेड। बात क्लियर है? देखिए कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी दैट मीन्स अल्ट्रा वायलेट, फिर आता है आपका विजिबल रीजन जिसको अपन सीन कर पाते हैं देख पाते, फिर आता है आपका आईआर इंफ्रारेड, फिर आता है आपका माइक्रो रेज, फिर आती है आपकी रेडियो रेज, माइक्रोवेव्स कह सकते हैं या इसको रेज कह सकते हैं। क्लियर? और जो आपका विजिबल रीजन होता है, ये विजिबल रीजन जो है आपको पता है किसमें डिवाइड होता है, ये सेवन क्लास में डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है बेटा, सेवन क्लास में। कौन कौन से है, विविध वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसकी वेवलेंथ रीजन होता है आपका 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। क्लियर? विजिबल रीजन आपका सेवन कलर में डिवाइड होता है, जिसकी रेंज होगी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, दिस इज कॉल्ड EMR स्पेक्ट्रम। क्या नाम देंगे इसको अपन, EMR स्पेक्ट्रम। बात क्लियर है? इसको अपन ने किसमें अरेंज किया, इतने भी रेज है अपने पास में उन रेज को इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में जो स्पेक्ट्रम ऑप्टेन होता है उसको अपन कहेंगे EMR स्पेक्ट्रम। क्लियर? इसके बाद अपन यहां पर एक न्यूमेरिकल यहां पर फाइंड आउट करते हैं। देखिए देखिए बेटा, क्वेश्चन गिवन है अपने पास में रेडिएशंस की वेवलेंथ है 400 एंगस्ट्रॉम और आपको इसकी क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्लियर? रेडिएशंस की क्या है अपने पास में, वेवलेंथ गिवन है 400 एंगस्ट्रॉम और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन क्या अपने पास में, वेवलेंथ। क्या गिवन बेटा, वेवलेंथ जो है 400 एंगस्ट्रॉम और आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10^-10 मीटर। बता चुका मैं आपको 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10^-10 मीटर, तो यहां चेंज करना होगा 400 इंटू 10^-10 मीटर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10^-8 मीटर।
क्लियर। बी आपकी 10^2 प्लस में या माइनस में, तो अपने पास रिमेनिंग वैल्यू होगी 4 × 10^-8 मीटर। क्लियर। फिर अपन को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू क्या करना है, फाइंड आउट। और आप जानते हो न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। और सी की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। 10^8 मीटर पर सेकेंड वैल्यू रखो आप। सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10^8 अपॉन 4 × 10^-8। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको। अगर अपन 30 में कन्वर्ट कर लें तो अपने पास क्या रिमेनिंग होगा, 10^7 अपॉन 4। ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10^+8, तो अपने पास वैल्यू जाएगी 7.5 × 10^15। क्या है फ्रीक्वेंसी, तो अपने पास यूट आएगी सेकंड इनवर्स। क्या बेटा, सेकंड इनवर्स। और इसको अपन क्या ले सकते हैं, 75 × 10^14 ले सकते हैं बेटा, क्योंकि डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पावर कम हो जाएगी। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 75 × 10^14 सेकेंड इनवर्स अपना आंसर होगा, ये आपका न्यूमेरिकल होगा। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।